नमस्कार। सबसे पहले आपको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं और इस साल आपके जीवन में जो रंग घुले वो सफलता का भी सम्मिलित हो, ये मेरी आशा एवं शुभकामना है। आपके डिमांड पे मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो आपके सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है आपकी प्रगतिशील शिक्षा। तो आज हम जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो आपकी शिक्षा व्यवस्था का एक आधार स्तंभ माना जा सकता है कि जिस शिक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं वो उसके गुण कैसे होने चाहिए या कैसे उसको प्रोग्रेस के रूप में हम ले सकते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक दर्शन का नाम आना चाहिए, वो है आपका प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद दर्शन से उत्पन्न आपकी प्रगतिशील शिक्षा मानी जाती है और उस प्रयोजनवाद में एक आपके प्रयोजनवादी या दार्शनिक का नाम आप याद रखिएगा, जॉन डेवी। इन्होंने एक तरह से प्रगतिशील शिक्षा को प्रोत्साहित किया या उसको परिमार्जित करने का प्रयास किया। जॉन डेवी के अनुसार अगर बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक स्वयं अपनी सामाजिक जो समस्याएं या जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में समर्थ हो सके, क्रियाशीलता और सृजनात्मकता के साथ। क्या इसमें माने क्या होना चाहिए? समस्या समाधान की क्षमता हो, अर्थात वो खुद से समस्या का समाधान कर सके। किसके द्वारा? क्रियाशीलता एवं सृजनात्मकता के द्वारा। अर्थात अगर देखा जाए बेसिक पॉइंट क्या होता है आपके प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसका, तो बच्चा इसमें अपनी जो सामाजिक समस्याएं जो भी समस्याएं उनका समाधान अगर खुद करने में सक्षम हो सके तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रगतिशील शिक्षा। साथ ही साथ वो उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? वो क्रियाशीलता और सृजनात्मकता से ओतप्रोत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात कहें तो प्रगतिशील शिक्षा हमारी परंपरागत शिक्षा की क्या है? प्रतिक्रिया। किसकी प्रतिक्रिया? परंपरागत शिक्षा की प्रतिक्रिया। तो परंपरागत शिक्षा की प्रतिक्रिया क्या, अर्थात जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा था उसके रिफ्लेक्शन में ये आपका नया एजुकेशन सिस्टम आया। तो ये एक अलग से कोई सिस्टम नहीं कि किसी सरकार ने लागू कर दिया, ये एक विचारधारा है जो शिक्षा में होनी अनिवार्य है और ज़्यादातर प्रश्न सीटेट के इसी विचारधारा से ओतप्रोत होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें किन किन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये शिक्षा व्यवस्था प्रगतिशील है या नहीं, या कौन से इसके गुण हैं कौन से अवगुण। तो आपने देखा कि प्रयोजनवाद से ये ओतप्रोत है, तो ज़्यादातर चीज़ें इसकी प्रयोजनवादी होंगी। जैसे प्रयोजनवाद क्या कहता है, इसको एक और नाम दिया जाता है उपयोगितावाद। तो उपयोगितावादी शिक्षा भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये उपयोगितावाद से ओतप्रोत होता है, अर्थात वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो, यूज़फुल हो, जिसका कोई उद्देश्य हो। प्रयोजन मतलब क्या? योजना, सॉरी, जिसके पीछे कोई उद्देश्य। तो आप देखिए कि उद्देश्यपूर्ण कोई प्रक्रिया हो या उपयोगितावादी हो या क्रियाशीलता जिसमें हो या सृजनात्मकता जिसमें हो, स्वयं क्या ज्ञान को अर्जित किया जा सके, सृजन किया जा सके, या कहें समस्या समाधान किया जा सके, या कहें कि आप क्रियाशील हो कि कोई अपनी ही समस्याओं को खुद ही सॉल्व करने में सक्षम हो, तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी प्रगतिशील प्रक्रिया कही जाएगी। अगर आपको कुछ शब्द भूल रहे हो तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से सुनिए, ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये समझने पे ही है। आप अपनी बुक्स नहीं, आप अपना दिमाग लेके पेपर में जाएंगे। तो यहाँ देखिए हम इसकी जो बात कर रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा को, तो इसको क्या कह सकते हैं? जो परंपरागत शिक्षा उसकी प्रतिक्रिया है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। दूसरा चीज़ हमने क्या देखा प्रगतिशील शिक्षा क्या है, कि हम इसको कह सकते हैं कि क्रियाशीलता एवं सृजनात्मकता की क्षमता भी कह सकते हैं, जिससे बालक स्वयं अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में क्या कर सके, समर्थ हो सके। ठीक, तो जब हम प्रयोजनवाद में जॉन डेवी की विचारधारा को पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि जॉन डेवी ने अपनी विचारधारा को तीन भागों में, तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है ना शिक्षा को, तो उनका तीन जो आपका डोमेन था वो था शिक्षक,
शिक्षार्थी और पाठ्य क्रम। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें आप सब जानते हैं लेकिन हमें यूज़ कहाँ करनी है यही बात आपको समझना है। जो हम प्रगतिशील शिक्षा पढ़ रहे हैं तो उसमें जॉन डेवी का इफेक्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसलिए हम उनके भी विचारधारा को यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में इन्होंने क्या कहा कि तीन ध्रुव होते हैं और तीनों के बीच अंतःक्रिया होगी। अब यहाँ पर ये जो एक मान लीजिए तीन वेरिएबल हैं आपके, तीन चर हैं जो परिवर्तित होते हैं समय और परिस्थिति के साथ, क्योंकि हर जगह एक ही टीचर एक ही स्टूडेंट एक ही पाठ्यक्रम नहीं रहता। तो ये वेरिएबल आपका स्वतंत्र स्वतंत्र चर, ये वेरिएबल कौन सा है आपका आश्रित, और ये क्या है हस्तक्षेपी चर। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से बस इतना समझिए कि ऐसे वेरिएबल वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित हो। तो शिक्षक भी क्या होंगे, बदलेंगे, आप पढ़ मैं मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं दूसरी हूँ, किसी और से पढ़ेंगे तो दूसरा है, दूसरा वीडियो देखेंगे तो दूसरा कोई है, शिक्षार्थी भी आप पढ़ रहे हैं और भी कोई पढ़ा और भी कोई पढ़ा, पाठ्यक्रम भी जिसको जो पढ़ना है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम होगा। तो ये तीनों प्रकार के क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं जिसमें एक स्वतंत्र चर होता है जिसमें हेर फेर करते हैं, मतलब वो अपनी मेथड अपनी टेक्नोलॉजी हर चीज़ में हेर फेर करता है जिसका प्रभाव शिक्षार्थी के ऊपर पड़ता है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम भी इसका एक हस्तक्षेपी चर होता है जो इस शिक्षा को जो शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया उसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जब हम प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे तो ये तीनों का रोल हमें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है बालक या शिक्षार्थी, अर्थात जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो कौन सी शिक्षा व्यवस्था होगी बाल केंद्रित। समझ में आ रहा है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को, हमें लिखना नहीं पड़ेगा बस हम समझ लेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम सॉल्व कर लेंगे। हम कौन सी शिक्षा व्यवस्था ले रहे हैं बाल केंद्रित, क्यों यहाँ शिक्षार्थी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो यहाँ जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम कहा, ये पाठ्यक्रम किससे संबंधित होना चाहिए समाज से, समाज से ही आपका पाठ्यक्रम आता है। उन्होंने विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा है। चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिए, उपयोगितावादी शिक्षा बालक की उपयोग जो बालक के लिए उपयोगी है उस शिक्षा की बात करता है लेकिन वो समाज को नकारता नहीं। तो यहाँ पे हर चीज़ को हर डोमेन को हमको साथ में लेके चलना है, प्रगति सिर्फ एक शिक्षार्थी की नहीं पूरे समाज की होनी चाहिए, यही प्रगतिशील शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन है आपका बालक। इसके आगे जो हम चर्चा करेंगे वो होगा शिक्षार्थी से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी है। तो अगर देखे जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं तो पहले तो आप क्या करेंगे पर्सनलाइज, किसी भी बालक की अपनी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों के संवर्धन के लिए ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम यूज़ करते हैं जो उसको प्रगति की ओर ले जाए। दूसरी चीज़ उसकी अपनी रुचियाँ होती हैं, अभिशमता होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, सबको देख के मतलब उसकी जो व्यक्तिक गुण हैं, कौन से गुण पर्सनल व्यक्तिक गुण या शक्तियाँ, व्यक्तिक शक्तियों का विकास करना बालक के प्रगतिशील शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे इस प्रक्रम में जो हम वातावरण यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है प्रजातांत्रिक। तीन प्रकार के वातावरण होते हैं राजतांत्रिक स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक, जिसमें प्रजातांत्रिक जो होता है वो सबसे अच्छा वातावरण माना जाता है और प्रगतिशील शिक्षा भी इसी वातावरण को एक्सेप्ट करती है। समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, हो रहे हैं तो जो कंफ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, उस पर फिर से मैं क्लियर कर दूंगी। आप देखिए यहाँ प्रजातांत्रिक मतलब क्या है, सबका सबके लिए, अर्थात जो शिक्षार्थी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शिक्षक यहाँ क्या है गाइड है या मार्गदर्शक होता, बालक सीखता कैसे है करके, मतलब उसके अंदर क्या होती है क्रियाशीलता, ज्ञान कैसे प्राप्त करता है रटता नहीं है सृजन,
बालक ज्ञान का क्या करता है, सृजन करता है, अर्थात सृजनात्मकता भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे एक इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, वो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी किसी शिक्षा में तभी वो प्रगति करेगी। अगर आप रिजिड होके कोई चलेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, वो कभी न कभी ब्रेक कर जाएंगे। लेकिन फ्लेक्सिबल होंगे तो हर परिस्थिति में उस डाल की तरह जो हरी होती है और लचीली होती है कि वो हिलती डुलती, थोड़ा बहुत चोटिल होती है लेकिन टूटती या सूखती नहीं है, उसी तरह हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चलती रहेगी। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमेशा एक समाज को, एक राष्ट्र को, एक बालक को, एक पर्सनल व्यक्ति को क्या करना, प्रगति के पथ पर ले जाना है। साथ ही साथ देखना भी है कि कोई अन्य बाह्य ऐसी कोई गतिविधियां ना उसको प्रभावित कर पाए कि वो उसका जो विकास है शिक्षा के द्वारा वो रुक जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है कि प्रगतिशील शिक्षा को किस प्रकार से लागू किया जाए। जैसे जब भी प्रगतिशील शिक्षा में हम शिक्षण विधियाँ लेंगे तो बहुत ही अच्छी शिक्षण विधियाँ जो भी होंगी, जो बाल केंद्रित होंगी, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अन्वेषण, बालक क्या करेगा, जब सृजन कर रहा है मतलब खोज के सीख रहा है, प्रयोग कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड आपको बताया है ना, केल पैट्रिक और जॉन डीवी भी उसके पीछे थे और जॉन डीवी के विचारों से उत्प्रेरित होकर ही किल पैट्रिक ने उसका निर्माण किया था। तो जितनी भी चीज़ें आपकी प्रयोजनवादी दर्शन में आती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही साथ कई चीज़ें परिमार्जित रूप से आपको दिखेंगी जो बालक का संपूर्ण विकास कर सके। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि बालक ऐसा हो जाए कि नौकरी पा जाए और अपने पैर पर खड़ा हो जाए। तो पैर पर खड़ा होना अर्थात आत्मनिर्भर होना सही है, लेकिन उसके अंदर सामाजिक गुण, जो सामाजिक अंतक्रिया होती है उसके प्रति उसके विचारधारा वो भी होने चाहिए, उसके नैतिक गुण, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। अर्थात बालक के हर पक्ष की प्रगति आपको इस शिक्षा के द्वारा करानी है। पॉइंट बहुत इजी है लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते तो चीज़ें क्या होती हैं आपके लिए जटिल हो जाती है। जैसे कई आपके प्रश्न हैं उसमें क्या है, बैठने की व्यवस्था आपकी जो है, टाइम टेबल जो है, वो सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं इसमें। अर्थात एक फ्लेक्सिबल आपको शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लेना है जो बालक एडजस्ट भी कर ले और निरंतर क्या करे, प्रोग्रेस भी करता रहे। अब यहाँ पर जो भी हमने देखा कि अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो बालक के जितने गुण हैं या जितनी शक्तियाँ हैं उसको हम एक प्रगतिशील शिक्षा द्वारा ही संवर्धित कर सकते हैं, सभी पक्षों को ध्यान में रखकर। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है। इसमें और भी नेक्स्ट पार्ट में भी दूंगी, इसके इससे संबंधित प्रश्नों को भी मैं हल कराऊंगी, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने की ज़रूरत है कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। इसी के साथ ही आपको फिर से बहुत 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 शुभकामनाएँ। ईश्वर करे ये वर्ष आपके जीवन में सफलताओं के ऐसे रंग भर दें कि आप खुद आत्मनिर्भर हो जाएं और एक प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था का संचालन स्वयं एक शिक्षक के रूप में कर सकें। धन्यवाद।